अगर यहाँ पे ओपन होता तो यस ये मैंने कितने बजे दिया था आपको मैं हम टाइम देख लेते इसके बाद मैं आगे का बताऊंगा कि मैंने कैसे दिया और कैसे आपने इसमें ट्रेड लिया बजाज फाइनेंस यस थर्टीन जीरो फोर एक बजे के आसपास मैंने बजाज फाइनेंस आप लोगों को दिया था राइट टेलीग्राम चैनल पे तो अभी आप देखिए ये स्टॉक का सपोर्ट किधर है ये स्टॉक का अगर आप देखो तो ये एक सपोर्ट है अच्छा ये ओपन कितने हुआ अगर हम पहली कैंडल देखे नौ पंद्रह की आज है बारह जनवरी राइट इसका मैं आपको पूरा डिटेल ना समझाऊंगा ये देखो ये आप पहली कैंडल है ठीक है ना इसने क्या किया रेड कैंडल बनाई ओके एडमिट ऑल ओके उसके बाद ये ऊपर चला गया फिर ये नीचे आया इसके बाद अगर आपको अगर थोड़ा भी सपोर्टेजन मैंने बताया था ना इसके नीचे वाला देखो ये है ये वाला अभी क्या हुआ ये ऊपर गया नीचे आया यहां से सपोर्ट लिया वापस ऊपर गया अभी इसमें घूम रहा है राइट right? अब मैंने क्या बोला था अब यहां से लेके टेन फिफ्टीन से लेके अप टू ट्वेल्व फिफ्टी ऑलमोस्ट एक डेढ़ घंटे इसी रेंज में घूमता रहा अब आप इसमें देखो दो चीजें आप साइड में भी लगा सकते हो जैसे मैं लगा रहा हूं ओके okay. मैंने किसके बेच पे ट्रेड दिया तो मैंने मैं अपना सी जो मैं यूज करता हूं जो आपको भी मैंने बोला था ये मेरा सीपीआर है है ना अभी इसको मैं ये देखो अगर आपको थोड़ा सा कर देता हूं मैं ताकि आपको दिख जाए अभी यहां पे ऐसी कोई भी साइन नहीं है अगर मैं अपना ट्रेडर आपको बताऊं थर्टीन जीरो फोर मतलब हमने दिया यहाँ पे ये वाले कैंडल पे ये वाली कैंडल पे मैंने आपको दिया था थर्टीन जीरो फोर ये वाली कैंडल पे राइट ऑलमोस्ट अच्छा लेकिन आप देखो ये स्टॉक साइडवे में चल रहा है कब से फिर भी मैंने यहां पे क्यों दिया क्यों पहली कैंडल मैं हर रोज बोलता हूं पहली कैंडल देखो रिजेक्शन कैंडल थी यहां पे रेड कैंडल बनी अगर ये मानो के इसको नीचे जाना होता था तभी जा जाता सुबह से ही नीचे जाना चाहिए नहीं गया ग्रीन कैंडल उसके बाद क्या किया पूरा कवर कर लिया फिर ये साइडवे में चला गया इसका मतलब अगर सेलर होते तो इधर से सेलर आने चाहिए अच्छा मैंने जो स्ट्रोंगली जब चार्ट पहली बार खोला तो इस वाली कैंडल पे ये जो वॉल्यूम आपको दिख रहा है इस वॉल्यूम को देख के मैंने आपको दिया अच्छा वॉल्यूम तो इधर बना हुआ था मैंने आपको यहां पे दिया तो बीच में क्यों नहीं दिया आपको तो मैं आपको समझाऊं इसका भी मैं आपको लॉजिक बताता हूं किस तरह से है जनरली क्या होता है जब भी कोई बड़ा आदमी घुसता है ना जैसे स्टॉक साइडवे में चल रहा है राइट right. अभी यहाँ पे मानो कि बड़ा आदमी घुस गया थोड़ा सा मोमेंट आएगा फिर क्या होगा सेलर तो है उसके अंदर वो क्या करेगा थोड़ा नीचे लेके जाएगा फिर ये वापस ऊपर आएगा राइट जब यहाँ पे ऊपर आया ना जो हमने थर्टीन जीरो फोर आपको बता मतलब यहां से लेके ये जो ड्यूरेशन है इतना मैंने वेट किया वरना मैं सुबह आपको बोल देता कि आप क्या करो बाई करो अगर आप इस वाले कैंडल पे बाय करते जबकि कैंडल बहुत छोटी है है ना क्या करते है? लोग निकल जाते लोग वेट भी नहीं करते इसलिए मेरा यूज एक वर्ड रहता फटा मैं तभी देता हूं जब वो मोमेंट में आता है नहीं अब ये चलेगा आने वाले दस या पंद्रह मिनट में अब ये फटेगा मेरा जो वर्ड बार बार यूज में करता हूँ फटा है तो मैं वो तभी देता हूँ जब मुझे कन्विक्शन में नहीं अब ये चलना चाहिए ये वॉल्यूम का कैंडल इधर है फिर भी मैंने यहाँ पे नहीं दिया सुबह आप लोगों को ये साइडवे में चला मैंने क्या बोला था यहाँ पे ऊपर आया नीचे आया फिर ये ऊपर गया फिर ये नीचे आया अच्छा अब हम सब सब निकाल देते हैं इसके अंदर मैं आपको सब निकाल देता हूं ठीक है ना इसको भी मैं इरेज कर देता हूं तो आप देखो ये हमने जब दिया कौन से वाली कैंडल पे थर्टीन जीरो फोर ये वाली कैंडल पे राइट तो अगर आप थोड़ा सा प्राइज एक्शन एनालिसिस बात करें तो आप देखो ये क्या बन रहा है एक ट्राइंगल पैटर्न जैसा बन रहा है राइट ये क्या बन गया ट्राइंगल पैटर्न जैसा अच्छा जब भी ट्राइंगल पैटर्न बनता है तो डेफिनेटली ट्राइंगल ऐसे ऊपर होना चाहिए ऐसे जाना चाहिए ऊपर राइट ये भी देखो ऊपर गया नीचे आया ऊपर गया नीचे आया ऊपर गया हाँ यहाँ पे थर्टीन जीरो फोर ये वाले कैंडल पे जब ये चालू हुआ अच्छा यहाँ पे कैसे पता चलेगा अब ये ऊपर जाएगा तो फिर मैं ये सीपीआर का यूज कर लेता हूँ जो मैं आपको जब ट्रेड देता हूँ तब इसके अंदर क्या चीज है मैं इसको ऑटो कर देता हूँ वन मिनट अभी इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ अब ये देखो मैंने दिया था ये वाले कैंडल पे ये जो कैंडल है ना ये सीपीआर है ना तीन जो आपको दो ब्लू और बीच में जो पिंक कलर के लाइन ये सीपीआर है राइट इसका ये वाला सीपीआर देखो ये सीपीआर के आजू बाजू घूम रहा था जब ये सीपीआर के ऊपर बढ़ना चालू हुआ थर्टीन जीरो फाइव के कैंडल आप देखो वही तो मैं बोल रहा हूँ फोकस सही है अगर फोकस नहीं है ना तो मार्केट में पैसा नहीं बनेगा मैं बता रहा हूं आपको ये देखो ये सारी कैंडल है ऊपर गई नीचे गई अब ये देखो यहां से सीपीआर के ऊपर जाना लगा ये वाली लाइन के ऊपर ये गया यहाँ पे रिजेक्शन मिला नीचे आया लेकिन क्या हुआ ये बोली सिंगल फिल्म बन गई ये वाली कैंडल दिख रही है आपको अगर आपको समझ में आता है ये बुली, बुली बन गई अच्छा फिर भी कन्विक्शन था कि ये बढ़ेगा आपको मैंने यहीं पे दे दिया क्यों चलेगा क्यों क्योंकि ये वाले कैंडल ने पूरा H3 थ्री कैमरिला एच लेवल को तोड़ दिया सर जी है ना फिर तो स्टॉक को चलना ही चलना था अगर हम इसको सबको हटा दे ताकि आपको चार्ट थोड़ा क्लियर लगे राइट right. मैं आपको जो समझा रहा हूं ना यहाँ पे ऐसी कोई नहीं समझाएगा देखो हमने यहां पे क्या किया था ट्राइंगल ड्रॉ किया था ये वाला है ना ये वाला ट्राइंगल ड्रॉ किया था तो ये वाले ट्राइंगल को किसने ब्रेक किया इस वाली कैंडल ने है ना ये वाली कैंडल कौन सी वाली जो मैं आपको बुलिस एंगल फोर बता रहा हूं जब इतना कन्व्यूशन बैठ जाता है ना

अगर थोड़ा सा जब भी कोई कैंडल अगर सीपीआर के ऊपर है तो वो बुलिस कहलाता है वो स्टॉक ऊपर जाएगा है ना देखो यहाँ से ये ऊपर गया इसने क्या किया यहाँ से ऊपर गया फिर ये सी पे सपोर्ट लिया दो रेड कैंडल फिर ये ऊपर चला गया है ना अब यहाँ बन गए बेरी सिंगल फील्ड अगर आपको पता है तो आप क्या करते हैं पता है अभी भी बजाज फाइनेंस बुलिस नहीं है क्यों क्योंकि प्रीवियस डे का हाई ये वाली रेड के, ये लाइन जो आपको दिख रहे नहीं ये ये प्रीवियस डे का हाई है जो आज ब्रेक नहीं किया इसने अगर इतना ये बुलिस होता तो इसको क्या करना चाहिए था ये वाली लाइन को ब्रेक करना चाहिए था ये वाली येलो लाइन को ब्रेक कर देना चाहिए था नहीं किया जैसे ये प्रीवियस डे के हाई के आसपास गया सीधा या बेरी सिंगल फुल बन गया और ये नीचे आ गया अच्छा अभी भी क्या ये कह सकते हैं कि ये कल के लिए हो सकता है बुलिस अभी भी देखो इसने क्या किया ये सीपीआर है तीनों जो है आपको दिख रहा है ये सीपीआर है है ना लोग सीपीआर के है बहुत सारे लोग जो सीपीआर सिखाते हैं है ना इसके ऊपर जाए तो ऐसा कर ऐसा नहीं है प्राय जैक्शन के साथ विथ कैमरिला विथ वॉल्यूम ये सारी चीजें आप अगर एनालिसिस फोकस के साथ करते हो एक एक कैंडल को देख के किस कैंडल में कितना पावरफुल है तब जाके आपको इसमें फायदा होगा है ना अब ये देखो यहां से नीचे आया लेकिन अभी भी ये सीपीआर के नीचे नहीं गया अभी आप इसने सपोर्ट ले लिया अब कल अगर ये सीपीआर के नीचे चला जाता है है ना अभी ये देखो 20 डे दे का व्हाइट कलर का लाइन है 20 डे का मूविंग एवरेज है अगर इसके नीचे गया ना तो ये बेरिस कहलाएगा लेकिन अभी ये उसके ऊपर बंद हुआ है बहुत ही अगर आप रियली टेक्निक एनालिसिस जानते हो बहुत ही ईजी है अगर मैं जो सीपीआर बीपीआर लगाता हूं कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है अगर आपको एक्शन पता है तो अगर मानो किसी को ट्राइंगल ड्रॉ करना नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं आप क्या करो रेक्टेंगलर बना दो एक चैनल बना दो ये देखो एक चैनल बन गया राइट ये चैनल ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे इतना लेटरी समय समझ में आता ही है ना कि ये अभी कब से ये साइडवे में चल रहा था ऐसे 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 करके ऊपर नीचे घूम रहा है फिर यहां से फटाक से इसने ब्रेकआउट दे दिया तो ये होता है स्टॉक सिलेक्शन जब आप चार्ट देखते हो और दो चीज पहले जिस लोगों को पता है टेक्निकल उसको पता होगा कि जब भी स्टॉक साइडवे में होता है तो वॉल्यूम बहुत कम होता है आप देखो नीचे वॉल्यूम एक भी नहीं है एक ही कैंडल पे इसको ने, अच्छा ये बंदा जो इस बंदे ने इतना जोरों से खरीद किया देखो कितना स्मार्ट है इसने कोई ऐसी बड़ी कैंडल नहीं बनाई है ना इतनी कोई बड़ी कैंडल नहीं बनाई जिससे सारे लोग घुस जाए बहुत छोटी कैंडल बनी है राइट इसी छोटी कैंडल के बेच में मैंने आपको क्योंकि ये स्मार्ट मनी है जो बड़े लोग है ना घुसते हैं आपको पता नहीं चलता अगर आपको वॉल्यूम एनालिसिस पता है आगे का वॉल्यूम का क्या है पीछे का क्या है तब जाके आप ट्रेड के अंदर घुस सकते हो जब मैं कोई चीज बोलता हूँ फट्टा मतलब उसके अंदर बहुत सारी चीजें एनालिसिस होती है अगर आप देखो हमने यहाँ पे दस चीजें एनालिसिस की है ना अगर कोई बंदा बोलेगा ये तो रिजेक्शन कैंडल है ये भी रिजेक्शन कैंडल है है ना ये भी रिजेक्शन कैंडल है लोग क्या करेंगे इसको देख के सेल कर देंगे ऐसा नहीं है सर तो इसके अंदर समरी क्या है पहले तो आपको प्राइजेक्शन जो मैंने आपको बताया ये पता होना चाहिए दूसरी बात जब आप चार्ट देखते हो तो आपको ये एटलीस्ट ये अंदाजा होना चाहिए कि अभी मैंने पहले बता था चार्ट अप में है या डाउन में या साइडवे अभी ये वे में था परफेक्ट था राइट अब इसमें कन्वेक्शन पे कहा कब चलेगा ये देखो इसका स्लोप ये देखो ये स्लोप देख रहे हैं आप हल्का सा स्लोप अप होने लगा दिख रहा है आपको ये जो स्लोप ये जो पोर्सन अप हुआ ना इसी पोर्शन पे मैंने आपको ट्रेड दिया क्यों क्यों मुझे कन्विंशन था कहीं ना कहीं अब ये ऊपर ब्रेक करेगा और कर दिया इसने ब्रेक दूसरा मेरा कन्विंशन इस वाले कैंडल पे था जो आदमी इसमें घुसा है ना वो मरे इसको नीचे नहीं आने देगा क्यों आने देगा भाई उसने पैसा लगाया है ना तो वो प्रॉफिट लेके निकलेगा अच्छा अब ये निकल चुका है क्या है बंदा कैसे पता चलेगा इसमें निकला नहीं निकला ये बात की बात है अब ये जो बंदा घुसा है अब हमें कैसे पता चलेगा अभी इसने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया या यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया कैसे पता चलेगा राइट तो वो होता है एडवांस लेवल की आपके एनालिसिस आपको कैसे पता अभी आपको इसमें रुकना चाहिए या इसमें निकल जाना चाहिए था इंटर में या अभी जो होल्ड है वो होल्ड रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए बहुत सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व है राइट right? तो सिंपल अभी ये है कि जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको थोड़ा चार्ट रीडिंग आता है थोड़ा चैनल ट्राइंगल जो भी बहुत सारी पैटर्न लोग यूज करते हैं जनरली मैं आपको जब भी लैपटॉप खोलता हूं तुरंत ही ट्रेड देता हूँ और मैंने दो सेशन लिए उसमें आपने देखे होंगे ए सारे ऐप जो भी मैंने दिए थे वो तुरंत चलते हैं क्यों क्योंकि वो पूरा एक बार अगर आपका व्यू और विजन सही है और आपने सीखा है तो आप चार्ट को देख के पता चल जाएगा अब इस स्टॉक में क्या होने वाला है प्लस डेफिनेटली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है अगर आप ज्यादा ट्रेड करोगे तो सारी चीजों को अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे एक-एक -के का मीनिंग क्या है हमें एक-एक देखने की जरूरत नहीं है एक्चुअली okay? अब हम देखते हैं दूसरा एसबीआई राइट right? मैंने एसबीआई भी दिया था आज इसमें सर्च कर लेते हैं ओके okay, मैं सबको अनमिट करता हूं अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन भी ले लेंगे यस yes. अगर किसी को क्वेश्चन है कोई डाउट और बताओ बजाज फाइनेंस के अंदर जो हमने डिस्कस किया हेलो यस हेलो यस प्लीज मुझे क्वेश्चन यस आपने जो, जो, जो बताई एनालिसिस की क्या right. वो जो, जो आपने फाइव मिनट के डेली चार्ट फाइव मिनट के चार्ट पे बताई ये सेम प्रोसीजर में कर सकता हूँ सर जी डेली चार्ट में पूरा अलग सीनरी होता अगर आप बजाज फाइनेंस का हम वापस चलते हैं ना मैं अभी जो हम बात कर रहे वो आज इंटरडे में जो मैंने ट्रेड दिया बजा, अगर डेली ट्रेन का देखो दो चीजें सर अगर टाइम फ्रेम मुझे पूछो आप तो हर चीज का एनालिसिस अलग होता है ये अभी हम करते डेली अच्छा अब मानो के अब इसके अंदर हमें क्या लगा अभी देखो तो यहाँ पे सारे वॉल्यूम सेम दिख रहे हैं अब मुझे कैसे पता चलेगा अब कल ये बजाज ऊपर रहेगा या आज का वॉल्यूम इतना सपोर्ट दे रहा है कि कल से यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा या तो ना, या या ना ऊपर चला जाएगा या तो नीचे आएगा कैसे पता चलेगा तो डेली एनालिसिस पूरे दिन की एक्टिविटी के एक कैंडल को बताता है अभी हमने जो डिस्कस किया वो के अंदर इंटरडे में कौन लोग घुसते हैं ये डेली वाला जो फंडा होता ना, जो है ना वो लॉन्ग टर्म बंदे जो मानो क्या किसी ने ये बजाज फाइनेंस को यहीं पे ले लिया था जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया था राइट तो वो बंदा अभी भी खड़ा है वो बेचेगा नहीं लेकिन हम जो ट्रेडर है जो इंटरडे में पांच हजार दस हजार कमाने के लिए आते हैं उसकी बात कर रहा हूँ डेली एनालिसिस तो पूरे कैंडल की बहुत अलग होती है आपका प्रेडिक्शन थोड़ा सही है अच्छा तो मैं क्या ये चार्ट के ऊपर ही प्रेडिक्शन करता हूँ नहीं बहुत सारी चीजें भी मैं देखता हूँ ये चार्ट एक अलग तो है क्यों तो मेरा इतना सालों का एक्सपीरियंस देख के पता चलता है आगे क्या होने वाला है लेकिन इसके डेटा

गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग दिस इज एक्सीलेंट दिस इज एक्सीलेंट एनालिसिस सर एक्चुअली मैंने पोजीशन बनाया था पुट में बजाज फाइनेंस के पुट में और मैं एक हफ्ता तक खड़ा रहा मुझे प्रॉफिट भी हुआ लेकिन हुँ. आज मुझे कहीं ना कहीं लगा एक्चुअली मैं चार्ट तो नहीं देख पाया था क्योंकि मैं ऑन द वे था लेकिन मुझे uh, गट फील हुआ और मैंने उसको रिवर्स कर दिया मैंने आज उसका बजाज फाइनेंस का कॉल खरीदा है तो ये सही डिसीजन है मतलब ये चार्ट के हिसाब से तो मुझे लगता है कि हो सकता है जनवरी एंड तो मैं मैं तो, मैं तक, uh, तक खड़ा रहूंगा एक्सपायरी तक तो इज इट ट्रू और uh, क्या करूं मैं uh, खड़ा रह सकता हूँ इसमें देखो जी एक सिंपल और अभी डेली के अभी कोई भाई साहब ने पूछा था ना सर ये देखो ये आपके डेली अगर फोर नाइन सिक्स टू सब्जी टूट गया ना तो मार के चलो ये बहुत नीचे जाएगा ये जाएगा कम से कम आपको यहाँ ले तक लेके जाएगा तक और नीचे जाएगा अब ये पता है ना कतार पे खड़ा हुआ है ये उस जगह पे अच्छा। खड़ा हुआ है जहाँ पे देखो दो चीज ऐसा नहीं है पहले भी यहाँ पे आया आया ना नीचे क्या किया ग्रीन हाँ। कैमरा बना ऊपर चला गया फिर ये नीचे आया अभी फिर ग्रीन कैमरा क्या पॉसिबिलिटी है कि अभी ऊपर जाएगा वी डोंट नो समझ तो, तो ये होता है सिंपल एनाली बता रहा हूँ अब मानो कल मुझे अगर मानो मुझे आ, आपकी जनवरी के हिसाब से देखना है तो क्या करना चाहिए इसके अंदर क्या मुझे खड़ा रहना चाहिए स्टॉप लॉस लगाना चाहिए बस exactly मेरा 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 क्वेश्चन क्वेश्चन वही वही है exactly आ, मेरा वही है कमलेश जी अभी मैंने आपको क्या बताया फोर नाइन सिक्स टू इलेवन है जब ये टूटेगा ना तभी ये बेरिस होगा अदरवाइज ये बेरिस नहीं होगा ओके सो आई कैन आई कैन पुट आई कैन पुट दॉस फोर नाइन फाइव जीरो राइट बिल्कुल बिल्कुल आप लगा सकते हो बिल्कुल ओके ओके सर थैंक थैंक यू यू कमलेश जी वेरी मच अब हम देखेंगे आई राइट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे पास दस मिनट है वापस शायद इसी लिंकों में लिंक आ, क्लिक करना पड़ेगा बिकॉज अभी एल आर आय थिंक हमारे पास आठ मिनट है है ना क्योंकि जुम्म में ज्यादा टाइम देते नहीं ये लोग राइट right. ठीक है सर हम्म अभी एसबीआई देखो हमने कितने बजे एस का कॉल दिया था वो टेलीग्राम चैनल पे देख लेते हैं एस बी आई एस बी आई था हमने तेरा वन थ्री फोर फोर पे राइट पौने दो बजे के आसपास पौने दो बजे के आसपास मतलब ये हो गया आपका ये 1345, ये वाला कैंडल सॉरी थर्टीन फोर्टी फाइव है ना हाँ आई थिंक यहाँ पे दिया था मैंने क्या टाइम था, था सॉरी एस बी एस बी आई थर्टीन फोर्टी फोर हाँ सही ठीक है ये वाले कैंडल पे दिया था आपको राइट थर्टीन फोर्टी फाइव के आसपास अभी सुबह इस से इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर बन रहा है ना ये देखो इस स्टॉक ने क्या किया पहली कैंडल देखो क्या हुआ गैप डाउन हुई रेड कैंडल इसके बाद क्या इसने ऊपर ले लिया अब ये वाला जोन जो है ये वाला जोन यहां से लेके यहां तक कोई स्टॉक में ज्यादा मोवमेंट नहीं थी आप नीचे देखो वॉल्यूम भी ज्यादा कुछ मोवमेंट में नहीं था लेकिन इसके अंदर अच्छी चीज क्या थी अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो इसके अंदर यह थी कि ये नीचे आया ऊपर गया नीचे आया ऊपर गया साइड में चला फिर यह ब्रेकआउट दिया ऊपर गया नीचे आया ऊपर गया ये नीचे आया अच्छा अब इसको मैं और क्लियर कर दूं अगर आपको यह समझ नहीं आता तो आप क्या करो मैंने बोला आप सिंपल चैनल ड्रॉ कर दो चैनल ड्रॉ कर दो या आपको एक क्लोन या, या चैनल देखो दिख रहा है अब ये क्या हो रहा था? गया, गया, आ, ये आना तो ये आ जाना चाहिए नहीं आया इस वाले कैंडल ऊपर लेके गया फिर ये नीचे आया अच्छा हमने यहां पे क्यों लिया अच्छा इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बताया देखो ये वाली कैंडल आपको दिख रही है मैंने आपको सीपीआर के बेच पे दिया था मैं आपको चार्ट चार्ट पे प्योर चार्ट पे प्योर समझा रहा हूं देखो ये वाला हाई था अगर स्टॉक ऊपर गया ये नीचे आया मुझे लग रहा था यहाँ पे सपोर्ट लगा नहीं हो वापस ऊपर चला गया वापस नीचे आया देखो ये इसके बगल में इसको क्या बोलते हैं हम लोग इस पैटर्न को इन साइड बाग ये ग्रीन कैंडल बना और ये ऊपर चला गया अब मैंने क्या किया सीपीआर देख लिया है ना मैंने ये भी लगा दिया अब देखो परफेक्टली पे सपोर्ट लिया सर जी ये देखो परफेक्ट इसने व्हाइट व्हाइट लाइन पे सपोर्ट ले लिया देखा आपने यहाँ पे सपोर्ट लिया हमने ट्रेड लिया बाद ये चला गया ऊपर दिख रहा है अच्छा मैंने टारगेट कितना बताया था आपको टू नाइनटी टूटा म्यूट कर दो ना यू आर राइट म्यूट ऑल म्यूनिट ओके okay. मैंने टारगेट कितना बनाया था इसको ऑटो कर देता हूं मैंने आपको टारगेट बताया टू नाइनटी टू क्यों क्योंकि ये अभी एस थ्री पे था राइट right. मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था इसका और एक पैटर्न आपको बताता हूँ देखो इसने यहाँ पे कोशिश किया था इसको तोड़ने का ये डे हाई है येल्लो लाइन जो है ना वो डे हाई है आज क्या क्या डी आई को कोशिश करने किया नहीं हुआ नीचे आ गया अच्छा नीचे आया तो इसने क्या किया यहाँ पे सपोर्ट ले लिया जनरली सीपीआर पे सपोर्ट लेगा या मैंने पहले भी आपको बताया था जब भी स्टॉक सीपीआर के ऊपर है तो वो बुलिश रहता है राइट right? तो मैंने आपको यहाँ पे क्यों दिया क्योंकि ये पे आने के बाद अच्छा एक चीज और बताओ अगर आप देखो ये बड़ी सी रेड कैंडल है इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता राइट right? अच्छा ये इसका मतलब मैं अगर कोई बंदा होता क्या करता है यहाँ सेल कर देता अब तो यार ये नीचे जाएगा क्यों क्यों तो पहले से नीचे आ रहा है देखो है ना छे से इसने यहाँ पे शोट किया होगा ना ये फंस गया होगा के ऊपर चला गया क्यों पता है क्यों क्योंकि उसको क्या लगे उस पर वॉल्यूम नहीं देखा होगा वॉल्यूम इतनी स्ट्रॉग नहीं है जिसकी वजह से स्टॉक नीचे चला जाए सर जी लेकिन लोग क्या करते हैं बड़ी सी कैंडल देखे ओ वॉल्यूम डाउन जा रहा है शॉर्ट मार दिया क्यों हाँ शॉर्ट मारना होता ना अगर ये इसके नीचे चला जाता व्हाइट लाइन के नीचे राइट और स्ट्रॉन्गली ये बेरिस होता है सीपियर के नीचे चला जाता तो ऐसा तो हुआ ही नहीं क्योंकि सुबह से ये अपड में ही है राइट यहां ऑलरेडी ऑल मैंने क्या बोला ये देखो सुबह डाउन था अच्छे बायर लोग घुस चुके थे फिर ये नीचे आया फिर धीरे धीरे करके ऊपर लेके गए फिर वही बायर लोग इसके जम के इसको ऊपर लेके गए राइट सिंपल सा एनालिसिस है अगर आप कैमरेला आपको नहीं पता है आप कुछ मत करो है ना आप अगर ई यूज करते हो तो ई भी आप यूज कर सकते हो मैं इसको हटा देता हूं सिंपल सा एनालिसिस जो हमने अभी किया सुबह ये डाउन था मूविंग मुइंग ऊपर चला गया फिर मूविंग मुइंग नीचे आया मैंने क्या बोला स्टेप बनाता जा ऊपर गया नीचे आया ऊपर गया नीचे आया फिर ये सीधा इस वाले चैनल को ब्रेक कर दिया अगर आप ये देखो ये वाली चैनल दिख रहा अगर आप चैनल पे अभी, अभी आपको मैंने समझाया ना ये चैनल देखो यहाँ पे साइड वे था चैनल को इसने कितनी कैंडल थी कम से आधा घंटा इसी में घूमता रहा वो फट करके इसने ब्रेकआउट दे दिया अच्छा ये वाला पहले हाई था दिन का वो भी इसने ब्रेक कर दिया फिर ये ऊपर चला गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया नीचे आया अच्छा मूविंग एवरेज के नीचे तो गया ही नहीं फिर क्या किया उसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया मूविंग एवरेज से वापस ऊपर चला गया अच्छा अगर किसी को मानो को चुक गया तो क्या करना चाहिए इस वाले हाई पे ऊपर ऑर्डर लगाना चाहिए ये वाली कैंडल क्यों पहले ये वाली कैंडल थी जो ऑर्डर दिया राइट right? अब ये वाली कैंडल कैंडल है जिसने इस वाले ने ब्रेक कर दिया ये वाली कैंडल ने सिंपल सा एनालिसिस रहता है अगर आपका फोकस सही है तो राइट right? क्योंकि अभी देखो मेरा जो वर्ड था फटा मैंने आपको दिया उसके बाद देखो ये कितनी यहां से लेके यहाँ तक दस कैंडल बनी उसमें एक ही रेड कैंडल है तब दादा ये चलता ही गया चलता ही गया सर जब इसने डे का हाई तोड़ दिया ना उसके बाद और ऊपर चला गया क्योंकि यही तो प्रॉब्लम कर रहा था ना सुबह से ही सुबह से यहाँ पे तो ये रजिस्ट्रेशन कर रहा था सर जी यहाँ पे तो ये रिजेक्ट होकर वापस आया था ना तो इसको अगर तोड़ना है तो बिग वॉलिंग का सब तोड़ना है। आप देखो ये वाले कैंडल नीचे वॉल्यूम देखो उसके बाद देखो सपोर्ट दे दिया दूसरी वॉल्यूम ने उसके बाद तो चला ही गया ऊपर हमारा टारगेट एची हो गया मतलब अगर टू एट्टी फाइव टू एक्स से लेकर टू नाइनटी फाइव कम से कम दस रुपया तीन हजार का लॉट है अट्ठाईस तीस हजार जिस तरह लिया होगा उसको फायदा हुआ होगा डेफिनेटली राइट तो ये है सिंपल सी एनालिसिस अगर आपको पता है तो जब मैं बोलता हूं फटेगा तो मैं तभी बोलता हूं जब मेरा कन्विक्शन रहता है और और एक चीज मैं आपको बताऊं अगर आपको सब हटा देना है और एक सिंपल सा और एक आपको अगर आप देखो ये चार्ट का ऑब्जेक्शन रहता है ये देखो ये दिख रहा है अगर आपको किसी ने सिखा है या आपने सीखा है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि किस तरह से ये जा रहा है देखो राइट रेड सबसे बड़ी थी टूटना था तो यह क्या करना चाहिए था इसको जब रेड बनी थी टूट जाना चाहिए था नहीं टूटा साइड में चला गया धीरे धीरे दिर करके साइड में करके ऐसा बैंक निफ्टी में बहुत बार होता है ये वाली पैटर्न बैंक निफ्टी में बहुत बनती है लोगों को उल्लू बनाया जाता है कि अब ये नीचे जाएगा लोग शॉर्ट मारते हैं फिर इसको फसाया जाता है राइट अगर पता है तो चार्ट अगर आपको रीडिंग है तो तो ये सिंपल सी एनालिसिस है अगर आपको सिंपल सा लॉजिक पता हो है ना जैसे देखो इस वाले नीचे आया ना तो इस वाले हाई पे आसपास मेरा बताया ना यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया और सीपीआर के हिसाब से मैंने आपको बताया कि एस थ्री कैमरी पे सपोर्ट लिया ये चला गया